गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है, मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और हम पढ़ने वाले हैं भारत का प्राकृतिक विभाजन। कितने भागों में विभाजित किया गया? चार। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। तटीय मैदान एवं द्वीप समूह चार भागों में बटा हुआ है। पूरा भारत चार भागों में बटा हुआ है। ये हो गया अपना पर्वतीय प्रदेश, ये यहाँ पे जो खाली जगह दिख रही है ये विशाल मैदान, ये प्रायद्वीपीय पठार, ये तटीय मैदान इधर वाला भी और इधर वाला भी, और ये इधर है द्वीप समूह। चार भागों में हमारा भारत बटा हुआ है। पर्वतीय प्रदेश कितने भागों में बटा है? कितना प्रतिशत है भारत का पर्वतीय प्रदेश को दो भागों में बटा है? एक पर्वत और दूसरा पहाड़ी। पर्वत और पहाड़ी कितना प्रतिशत है? पर्वत 10% है, 18%। टोटल दोनों मिला के 29% के लगभग, 28.5%। पठारी प्रदेश कितना बताया? 27%। नहीं सर, 27%। और मैदानी प्रदेश कितना है? 43%। मैदानी प्रदेश कितना है? 43%। आपको हर दिन पूरा पढ़ना पड़ेगा और मैं जब भी पढ़ाऊंगा शुरुआत से क्वेश्चन पूछूंगा, इतना याद रख लो, नहीं तो आप बोलोगे कि कल जो पढ़ा था वही पढ़ेंगे या जो पढ़ने वाले हैं वही पढ़ेंगे, तो फिर ना आपको याद हो पाएगा न मैं अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। अब चार भागों में बांटा है। कल जैसे बताया था मैंने, जो ट्रांस हिमालय है ये किस प्लेट का भाग है? यूरेशियन प्लेट का, यूरेशियन प्लेट का भाग है। अब चार पर्वतीय प्रदेश में सबसे प्राचीन भाग कौन सा होगा? आस्था मैडम आप बताइए। सबसे प्राचीन चार पर्वतीय, चार भाग पढ़े अपन ने, चार भाग पढ़ लेना, मतलब पूरे भारत के हिमालय के चार भाग नहीं पढ़ रहे, ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, ये चार भागों की बात नहीं कर रहे। भारत के जो चार पर्वतीय प्रदेश है इसमें सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? कौन सा सबसे प्राचीन पर्वतीय प्रदेश है? प्रायद्वीपीय पठार। ताली बजाएं इनके लिए। प्रायद्वीपीय पठार, अरावली भी उसी का पार्ट है, लेकिन सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक, क्लियर है एकदम? यदि सरल सा क्वेश्चन बन जाए कि सबसे प्राचीन कौन सा है तो हम हिमालय के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन नहीं, कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। अब मुझे बताएं सबसे नया कौन सा है? हिमालय पर्वत। और कोई सोच के बताए जरा, क्योंकि हमने तो पढ़ा कि हिमालय पर्वत से जो नदियां निकली है उनसे जो जो गाद लेके आई है उससे उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, तो फिर सबसे नया कौन सा है? उत्तर का विशाल मैदान। सबसे नया कौन सा है? उत्तर का विशाल मैदान। सबसे प्राचीन कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। और सबसे नया कौन सा है? उत्तर का विशाल मैदान। अब जब हम पढ़ते हैं कि जहां 33 सागर हुआ करता था वह हिमालय पर्वत खड़ा है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड जो है उसका अभी वर्तमान में पार्ट कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। तो फिर और जहां 33 सागर है वहां क्या है? हिमालय है। तो फिर उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण कहां पर होगा? कहां पर होगा? भ्रंश बोलेंगे है ना, जो गेप है, गेप जो उत्तर का जो अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, 33 सागर तो ऊपर उठ गया, लेकिन इसके बीच में गोंडवाना लैंड और 33 सागर के बीच में जो भ्रंश बना, जो गेप बना, वहां पर जो है वो नदियों ने गाद लाकर जमा किया, तो उनके बीच का जो गेप है, गेप वो क्या है? उत्तर का विशाल मैदान वहां पर बना है, गेप के बीच में, जिसे भ्रंश कहते हैं, उसके बीच में नदियों द्वारा अवसाद लाकर जमा किए, क्योंकि अपन ने देखा पूर्ववर्ती नदियां हैं, वो अपरदन ज्यादा करती है वो, और मुहाने पर क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है, या तो वो पश्चिम की ओर गई सिंधु नदी तंत्र वाली नदियां, या फिर पूर्व की ओर गई गंगा ब्रह्मपुत्र वाली नदियां,
और अपने साथ में उत्तर हिमालय से ढेर सारा गाद लेकर आई, और वो जो गेप बचा हुआ था उसको उन्होंने क्या कर दिया, फिल कर दिया, भर दिया, तो उससे क्या बना उत्तर का विशाल महल। एक और क्वेश्चन बनता है, चार पार्ट है हमारे, इसमें सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, देख के बता रहे हैं या पढ़ने में आया है कहीं, उत्तर का विशाल मैदान देखो कितना बड़ा है, कितना क्षेत्रफल कितना बताया, 2500 किलोमीटर लंबा पड़ा होगा, 2500 पड़ा होगा है ना, और लगभग 500 किलोमीटर चौड़ाई है उसकी, क्षेत्रफल कितना ये लिखवाया होगा मैंने, 5 लाख वर्ग किलोमीटर ये भी बताया है। आप सोच सकते हैं भारत का टोटल क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर, अब उसमें से 5 लाख जो है वो हिमालय निकल गया, तो 5 5 5 चार भागों में करते हैं तो 25 होता है, 24 20 ही होता है, मतलब कोई ना कोई पार्ट इससे बड़ा है, हिमालय तो नहीं हो सकता, हिमालय बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। तो सबसे बड़ा भाग है प्रायद्वीपीय पट्टा, 50% है, कितना 50% क्या है, प्रायद्वीपीय पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार भारत के कुल क्षेत्रफल का आधा लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है, अभी पढ़ेंगे कल के टॉपिक में होगा ये, तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। हिमालय का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है दिनेश कुमार, हिमालय का पश्चिमी भाग, हाँ ठीक है, और पूर्वी भाग कौन सा है आप बताएं शिवन, पूर्वी भाग नहीं पता, अब हमने 2-3 बार हर दिन पढ़ रहे हैं इसको, हाँ आप बताएं पूर्वी भाग, हाँ आप बताएं साक्षी क्या नाम है आपका, प्रीति, बड़ा सरल नाम है, मैं कठिन कठिन नाम याद कर रहा हूँ आपका, साक्षी और प्रीति नाम है, ये तो बहुत पहले याद कर लिया था मैंने, बोलो नामचा पर्वत। तो इसकी चौहद्दी हमें पता होना चाहिए कि उत्तर भाग देखें तो ट्रांस हिमालय आ गया, नीचे शिवालिक या शिवालिक के नीचे उत्तर का विशाल मैदान तक फैला हुआ है, उत्तर में हिमालय की यदि चौहद्दी देखें तो उत्तर में कहां तक है, उत्तर में ट्रांस हिमालय तक, और दक्षिण में भारत के उत्तरी मैदान तक, उत्तर के विशाल मैदान तक विस्तृत है, और पूर्वी सीमा इसकी कौन सा देश म्यांमार में नामचा बरवा तक, और इसकी पश्चिमी सीमा नांगा पर्वत से है। अब एक चीज हमें और पढ़ना है, पामीर की घाट, कोई बताएगा क्या इसके विषय में, पामीर की घाट, पामीर की घाट, पामीर, अब ये जो काराकोरम क्षेत्र हमने पढ़ा, काराकोरम, और यहां पर है पामीर, क्या बोलते हैं इसे, तिब्बत के पठार का ये भाग है, ये तिब्बत का सबसे ऊंचा भाग है ये, ठीक है, और इसे गांठ कहते हैं, गांठ कहते हैं, क्यों कहते हैं, हाँ देखो हमने क्या बताया था, जब ये दो कोई पर्वत श्रेणी हो और उसके बीच में क्या हो भूसन्नति हो और उसके ऊपर जब दबाव पड़ता है तो ऊपर उड़ जाता है, तो कैसे ऊपर उठता है, इस तरीके से ऊपर उठता है, तो कोने जो है वो ज्यादा ऊपर उठे रहते हैं, कोने जो है ज्यादा ऊपर उठे रहते हैं, और बीच में क्या होता है एक पठार, बीच में क्या बनता है पठार, तो ये जो कोना है और ये तिब्बत, ये क्या है तिब्बत, इधर एक पर्वतों की श्रृंखला होगी जो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, और पश्चिम भाग में भी ये पामीर की पठार जिसे दुनिया की छत कहते हैं, विश्व की छत कहते हैं,
और यहाँ पर जो है चारों दिशाओं में पर्वतों का उद्गम है, पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई है। जैसे ये वाला रास्ता चाइना की तरफ जा रहा है, तो इधर कौन सा है, चाइना तरफ कौन से पर्वत फैले हुए हैं, तियानशान, यानशान, क्यूनलून, ये इस तरीके से फैले हुए हैं। इधर ये हिमालय पर्वत श्रृंखला हो गई, पाकिस्तान तरफ, अफगानिस्तान तरफ हिंदू कुश पर्वत, सुलेमान, किरथर, ये इधर फैले हुए हैं। तो इस कारण इसे क्या कहते हैं, पामीर की घाट, पामीर की घाट, क्योंकि यहाँ से चारों दिशाओं में विभिन्न पर्वत श्रृंखलाओं का उद्गम हुआ है। इसे क्या कहते हैं, पामीर की घाट। पामीर क्या है, एक पठार है जहाँ से विभिन्न पर्वत श्रृंखलाओं का उद्गम हुआ है। बीच में एक पठार है और आसपास उसकी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पामीर की गांठ कहते हैं। सेंट्रल थ्रिस्ट, मेन सेंट्रल थ्रिस्ट क्या चीज है, कौन बताएगा, वंशी का बताएगा, वो आएगा। मध्य हिमालय और शिमालय, वृहत हिमालय और मध्य हिमालय, वृहत हिमालय एवं मध्य हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रिस्ट, और मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में है मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, और महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में या जास्कर श्रेणी के बीच में सचर जोन, पूरा नाम क्या बताएंगे इसका, सचर जोन का, इंडो सांको सचर जोन, इंडो सांको सचर जोन। सिंधु नदी की एक बड़ी सहायक नदी पड़ी थी अपन ने, शोक नदी, शोक नदी है ना, और उसके ऊपर एक नदी पड़ी थी शोक नदी की सहायक नदी, नुब्रा नदी, नुब्रा नदी, नुब्रा नदी किस घाटी से निकलती है, नुब्रा घाटी से, नुब्रा घाटी से, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। नुब्रा घाटी में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, क्या नाम है उसका, नुब्रा घाटी में बड़ा महत्वपूर्ण स्थल, स्थल सियाचिन ग्लेशियर, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। लिपुलेख दर्रा पढ़ा था अपन ने, लिपुलेख दर्रा, हाँ कहाँ पर है, पूजा भी बता सकती है, नहीं, लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, महान हिमालय या ग्रेट हिमालय में। आज क्या टॉपिक था हमारा, प्रादेशिक विभाजन, बहुत अच्छा टॉपिक है प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन। काय का प्रादेशिक विभाजन, हिमालय का, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, और कोई थोड़ा सा और थोड़ा ठीक कर ले इसको, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का, ठीक है, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का प्रादेशिक विभाजन, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, अब इसको देखें, ये इस तरीके से हिमालय, ठीक, तो ये तो अपन ने पढ़ लिया, सबसे पहले काराकोरम, लद्दाख और जैसलमेर, फिर वृहत हिमालय,
फिर लघु हिमालय और फिर शिवालय। अब प्रादेशिक विभाजन यदि हम करेंगे तो इस तरीके से ये इस तरीके से हम उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का प्रादेशिक विभाजन करेंगे। तो देखो ये ट्रांस हिमालय वाला भी पार्ट इसमें आ जाएगा, ट्रांस हिमालय का भी आ जाएगा, नेपाल वाला पार्ट इसको छोड़ देंगे, भले ही हिमालय को इसमें शामिल है लेकिन वही वाला करेंगे जो भारतीय क्षेत्र में आता है। लेकिन जो नेपाल की सीमा से लगा हुआ नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। तो प्रादेशिक विभाजन सबसे पहला किसने किया था? सर सिडनी बुराट। सर सिडनी बुराट ये नाम हमें याद है, किसने किया? सर सिडनी बुराट। प्रादेशिक विभाजन सर सिडनी बुराट के द्वारा, और सबसे पहला पार्ट ये वाला पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं इसे। पंजाब हिमालय का ही दूसरा नाम क्या है? कश्मीर हिमालय। पंजाब हिमालय का ही दूसरा नाम है कश्मीर हिमालय। अब सिंधु नदी अपन ने पढ़ा था, ये इधर से निकलती है इस तरीके से, और सतलुज नदी इसी की सहायक नदी है जो इसमें पाकिस्तान में मिल जाती है। तो इन दो नदियों का जो के जो बीच का क्षेत्र है सिंधु और सतलुज नदी, सिंधु और सतलुज नदी, ये इसका भी उद्गम भारत से नहीं होगा, ये भारत के बाहर मानसरोवर से, भारत के बाहर कैलाश, कैलाश जो श्रृंखला है उससे होगा। और ये यहाँ पर पाकिस्तान में पंचनद जिसे कहते हैं पाकिस्तान में भी है, वहां पर जाकर ये मिल जाती है। तो इन दो नदियों के बीच में जो भी हिमालय वाला या उत्तर का पर्वतीय प्रदेश कहलाएगा वो कहलाएगा पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, सिंधु व सतलुज नदी के बीच का क्षेत्र। यदि भारत के कौन कौन से दो पार्ट दो प्रदेश इसमें पड़ते हैं? कश्मीर, जम्मू कश्मीर हो, एक तो कश्मीर हो गया, दूसरा लद्दाख हो गया, और तीसरा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। पंजाब तो नीचे है पर्वतीय प्रदेश में आता नहीं है, पंजाब नीचे पर्वतीय प्रदेश में नहीं आएगा। तो तीन राज्य, दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख और तीसरा हिमाचल प्रदेश। विस्तार लिखेंगे इसका, कश्मीर लद्दाख व हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर लद्दाख व हिमाचल प्रदेश में। पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी है इसमें? तो लद्दाख, जास्कर, लद्दाख जास्कर, इसकी पर्वत श्रेणियां यदि देखें तो लद्दाख, जास्कर, लद्दाख, जास्कर, ये यहां से देख सकते हैं। अब देखो यहां से हमें सीधी लाइन खींचना है, ठीक, ये पंजाब हिमालय, तो इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब। जो पर्वत श्रृंखला की बात करें तो कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाब, पीर पंजाब, धौलाधर, धौलाधर। हिमालय की चौड़ाई सबसे अधिक यहां पर, हिमालय की चौड़ाई सबसे अधिक, हिमालय की चौड़ाई सबसे अधिक लगभग 560 किलोमीटर। क्वेश्चन बन सकता है
जैसे अपन ने पढ़ लिया कि हिमालय की चौड़ाई पश्चिम भाग में सबसे ज्यादा है, लेकिन पश्चिम भाग कौन सा कहलाता है इसका? प्रादेशिक विभाजन के आधार पर पंजाब हिमालय। तो इसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा है 560 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है इसकी? 560 किलोमीटर। शिमला किस श्रेणी में स्थित है? शिमला हिमाचल प्रदेश में है, और हिमाचल प्रदेश यहाँ पर धौलाधर श्रेणी में। ये क्वेश्चन बना है, पीएससी ने पूछा। शिमला धौलाधर श्रेणी में स्थित है, धौलाधर श्रेणी में स्थित है। यहाँ ग्लेशियर भी है, जितने ग्लेशियर पड़े सबके सब कहाँ पर है? इसी श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। जो काराकोरम श्रेणी के ग्लेशियर है वो यहीं पर है, बाल्टोरो, बियाफो, वो सब इसी के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर मीठे पानी की झील भी है इतनी ऊंचाई पर, मीठे पानी की झील। कौन सी झील है यहाँ? डल झील और बुलर झील। डल झील और बुलर झील मीठे पानी की झील है यहाँ। डल झील, बुलर झील मीठे पानी की झीलें यहीं पर है। आपने लिखा है, अभी समझना है, ठीक है, आपको टाइम लगेगा। डल झील और बुलर झील, डल झील और बुलर झील। यहाँ खारे पानी की झील कौन सी है? क्या चिल्का झील यहाँ कहाँ पहुंच गई? उड़ीसा में। तो उड़ीसा कहाँ पहुंच गए? हिमालय में कहाँ आएगा उड़ीसा? हाँ, खारे पानी की झील हो सकती है, नहीं हो सकती है? खारे पानी की झील कहाँ होती है? पठारी प्रदेश में होती है, ये तो पता है ना। पठारी प्रदेश में खारे पानी की झील होती है। क्यों होती है? मान के चलो ये पठार है, है ना, ये पठार है। पठार की खासियत क्या होती है? उसके आसपास का क्षेत्र बहुत ऊंचा हो सकता है या फिर नीचा हो सकता है, है? तो चौरस पठार है। मान के चलो कोई गांठ वाला, पामीर की गांठ वाला क्षेत्र है, तो फिर वहां क्या होता है? इधर से भी नदियां निकलती, इधर से भी नदियां निकलती है, पानी यहाँ पर जमा हो जाता है, झील बन जाती है। लेकिन उस पानी को कहीं बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, बाहर निकलने पानी को बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता। और ये नदियां विभिन्न जो खनिज लवणों के साथ में आती है, खनिज लवणों को साथ में लेकर आती है। बारिश जैसे ही खत्म हुई पानी का तो वाष्पोत्सर्जन हो जाता है, और खनिज लवण जो है वहीं पर रह जाते हैं। नमक जो है चट्टानों से आता है, समुद्र से नहीं। समुद्र में बनाते हैं लेकिन आता कहाँ से है? चट्टानों से आता है, चट्टानों से आता है, ठीक है। वहाँ क्या है कि सब अवसाद वहाँ जमा होते हैं, इसलिए वहाँ कलेक्शन होता है वहाँ पर, लेकिन आता कहाँ है? चट्टानों से आता है। अब ये वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, कम पानी बचेगा, तो वो पानी कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? खारा। तो खारे पानी की जो झील होती है या तो समुद्र तटीय क्षेत्र में पाई जाती है, जिसे लैगून झील कहते हैं, या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे सांबर झील, डिडवाना झील, टिटिका, अब टिटिका का झील। ये ऐसी झीलें हैं जो पठारी क्षेत्र में, बहुत ऊंचे वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यहाँ पर भी खारे पानी की झील हो सकती है, यदि वो चारों तरफ से पर्वतों से घिरी हुई है तो खारे पानी की झील यहाँ पर भी हो सकती है। और यहाँ पर पांगोक सो एक झील है, और दूसरा है मोरारी। ये दो झीलें हैं जो खारे पानी की, पांगोक सो और मोरारी, दो झीलें हैं जो खारे पानी की है। मीठे पानी की कौन सी बताएं? डल झील और बुलर झील, और खारे पानी की झील बताएं, ठीक। अब दूसरा विभाजन देखते हैं, दूसरा पार्ट इसका। दूसरा पार्ट ये पंजाब हिमालय, और पंजाब हिमालय के बाद में कौन सा पार्ट है? दूसरा पार्ट कुमायू हिमालय। तो ये सिंधु नदी, ये सतलुज, और ये काली नदी। क्या खासियत है काली नदी के बारे में? कौन बताएगा?
भारत और नेपाल की कौन सी सीमा, नेपाल की कौन सी सीमा, पूर्वी सीमा। नेपाल यहाँ से शुरू हो रहा है तो नेपाल के पूर्व में, इधर पश्चिम में दूसरा कुछ रहेगा, तीस्ता नदी वगैरह वो पश्चिम में रहेगी, ये पूर्व में। भारत और नेपाल के बीच की पूर्वी सीमा, नेपाल के हिसाब से देखा जाए तो कौन सी सीमा, पूर्वी सीमा ये बनाती है। किस नाम से जाना जाता है इसे? हाँ, इसे किस नाम से जाना जाता है? काली नदी के और क्या क्या नाम है? भारत में इसे बड़े अच्छे नाम से जाना जाता है, जैसे महाकाली, काली गंगा और शारदा नदी। शारदा नदी ये नाम याद है, शारदा नदी, काली गंगा, महाकाली आदि अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तराखंड का जो राज्य चिन्ह है, उत्तराखंड का राज्य चिन्ह, जैसे मध्य प्रदेश का राज्य चिन्ह क्या है, उसमें सांची का इसको गेहूं की बाली ये है, लेकिन जो उत्तराखंड का राज्य चिन्ह है उसके ऊपर कौन सी नदी बनी है? काली नदी, महाकाली नदी, शारदा नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। कहां से उद्गम होता है इसका? जो उद्गम स्रोत है इसे काला पानी कहते हैं, उद्गम स्रोत है उसे क्या बोलते हैं? काला पानी, काला पानी। तो ये जो क्षेत्र है सतलुज और काली नदी के बीच का 320 किलोमीटर, ये कितना पड़ा था अपन ने? 560 और ये 320 किलोमीटर चौड़ा, 320 किलोमीटर, ये जो 560 है वो उसकी चौड़ाई थी ऐसे है? ये ऐसे यदि क्षेत्र की बात करें तो कम था वो भी, और ये 320 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है, विस्तृत है, उत्तराखंड राज्य में विस्तृत है, और उत्तराखंड विस्तार लिखेंगे इसका, उत्तराखंड में मेन है लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी है, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में विस्तार। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इस क्षेत्र की? हाँ कुछ बोल रहे हैं, नंदा देवी, सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी 7817 मीटर, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। इसके अलावा यहाँ पर मसूरी, नागटिबा, मसूरी, नागटिबा आदि पर्वत चोटियां हैं इसकी, मसूरी, नागटिबा। अब इसको भी है ना दो भागों में बांट दिया है, ये इधर वाला भाग अलग और ये वाला पार्ट अलग, दो भागों में बटा हुआ है, दो भागों में बटा हुआ है। गढ़वाल हिमालय का नाम सुना होगा है ना, ये कुमायूं हिमालय तो है और एक क्या है गढ़वाल हिमालय, तो पूरे भाग को भी कुमायूं हिमालय कहते हैं ठीक, लेकिन ये वाले पार्ट को, पूरे भाग को अक्सर कुमायूं हिमालय कहा जाता है, पश्चिम भाग जो है वो गढ़वाल हिमालय, गढ़वाल हिमालय पश्चिम भाग, ऊपर वाला, ऊपर वाला होगा पश्चिम भाग गढ़वाल हिमालय और नीचे वाला भाग कुमायूं हिमालय, पूर्व भाग कुमायूं हिमालय और पश्चिम भाग गढ़वाल हिमालय। कल अपन ने पढ़ा था जो वृहत हिमालय है ये ऊपर से चला जाएगा, वृहत हिमालय यहाँ ऊंची ऊंची चोटियां देखने को मिलती है, और लघु हिमालय में क्या है? पहाड़ी नगर, पहाड़ी नगर, दर्शनीय स्थल, पर्वतीय स्थल। तो यदि प्रादेशिक विभाजन के आधार पर देखा जाए तो कहाँ मिलेंगे वो? कुमायूं हिमालय में, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ज्यादा है। तो यहाँ पर कौन कौन से पर्वतीय स्थल है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नैनीताल, सात ताल,
भूमिताल, गंगोत्री, यमुनोत्री, सब यहीं पर देखने को मिलेगा। ये सब मैंने अलग अलग श्रेणी का बता दिया, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेत। कामेत क्या है? पर्वत श्रेणी। कामेत पर्वत श्रेणी भी यहाँ पर है। वही नैनीताल, सात ताल, ये झीले हैं। नैनीताल एक झील का नाम है। सब कुछ यहीं पर देखने को मिलता है। दर्रे भी हैं यहाँ पर, दर्रे भी हैं। कौन सा दर्रा उत्तराखंड में? नीति दर्रा, माना दर्रा। नीति दर्रा, माना दर्रा यहीं पर देखने को मिलेगा। माना दर्रा, नीति दर्रा यहीं पर देखने को मिलेगा, कुमायूं हिमालय में। अब एक बड़ा पार्ट हम यहाँ पर समझते हैं और उसका नाम है पंच प्रयाग। पंच प्रयाग किस किसने पढ़ा है इससे पहले? आपने पढ़ लिया है? किताब ने पढ़ा? ठीक, बहुत बढ़िया। आपने नहीं पढ़ा? पंच प्रयाग क्या चीज है? पंच प्रयाग मतलब भागीरथी नदी के साथ अलग अलग नदियों का। भागीरथी नदी तो एक ही बार है गंगा, जब गंगा बनती है। कौन सी नदी महत्वपूर्ण नदी? कौन सी है इसकी महत्वपूर्ण नदी है इसकी? अब देखो अलकनंदा पढ़ना है अपने को, और अलकनंदा सबसे महत्वपूर्ण नदी। अब देखो पंच प्रयाग, तो पंच प्रयाग के नाम में पहले लिख देता हूं, फिर उसको अपन मैप पे देखेंगे। इसको अच्छे से समझना है, यहां से क्वेश्चन उठता है। तो पंच प्रयाग में सबसे पहले है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग, इसके बाद में हम देखेंगे नंद प्रयाग। नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब यहां पर एक ग्लेशियर, ग्लेशियर इसका नाम है सतुपथ ग्लेशियर। हम यहां पढ़ेंगे ये कुमायूं हिमालय में, मैं यहां दर्शा रहा हूं, लेकिन है कहां पर? ये कुमायूं हिमालय में सतुपथ ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है ये हमने बता दिया। ग्लेशियर क्या होता है? बर्फ की खिसकती हुई चट्टान। तो ग्लेशियर है, और यहां से एक नदी का उद्गम होता है, और उसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा। तो अब समझ में आ गया कि जो पंच प्रयाग है इसकी सबसे मुख्य नदी कौन सी है? अलकनंदा। ये क्वेश्चन बन जाए, अब ढेर सारे नदियों के नाम पढ़ेंगे अपन, लेकिन इसकी मुख्य नदी कौन सी है? अलकनंदा। अलकनंदा। अब एक इधर से एक नदी आती है धौली गंगा। धौली गंगा यहां से उद्गम हुआ, और यहां पर ये अलकनंदा में मिल गई। अलकनंदा में मिल गई, और इसका नाम रखा गया है विष्णु प्रयाग। क्या नाम रखा है? क्या बोलते हैं इसे? विष्णु प्रयाग। तो क्वेश्चन बन सकता है विष्णु प्रयाग में कौन सी दो नदियों का संगम है? तो कौन सी दो नदियों का? अलकनंदा और धौली गंगा। अलकनंदा और धौली गंगा, क्लियर। उसे किस नाम से जाना जाता है? विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है, विष्णु प्रयाग। इसके बाद एक और नदी है, यहीं से आ रही है और जस्ट इसके नीचे, इसका नाम है नंदा की नदी। नंदा की नदी, तो ये दूसरा संगम बन गया, और इसे कहा गया है नंद प्रयाग। क्या कहा गया इसे? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग।
और ये फेमस है, ये वाला, ये नंद प्रयाग काय के लिए फेमस है, तो ये है देवर्षि। देवर्षि कौन है? देवर्षि नारद। नारद, देवर्षि नारद। देवर्षि नारद की जन्म स्थली, कर्म स्थली इसके लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग कौन सी दो नदियों का संगम है? ये अलकनंदा और नंदा। अलकनंदा और नंदा, अलकनंदा मुख्य नदी है और उसको कौन सी नदी मिल रही है? नंदा की। तो ये नंद प्रयाग, और नंद प्रयाग काय के लिए प्रसिद्ध है? देवर्षि नारद के कर्म स्थली, जन्म स्थली के लिए ये प्रसिद्ध है। इसके बाद एक नदी है, किधर से निकल रही है? पिंडारी या पिंडर, पिंडारी भी लिखा हो सकता है या पिंडर भी हो सकता है, और यहां पर बना हुआ है कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग बना है यहाँ पर? कर्ण प्रयाग। यदि यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कर्ण प्रयाग में कौन सी दो नदियों का संगम है, तो अलकनंदा और पिंडर, पिंडर नदियों का संगम है, और इसे क्या बोलेंगे? कर्ण प्रयाग। अब एक उत्तर से नदी आके मिल रही है, उत्तर से, और इस नदी का नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी यहां आके मिल रही है। कौन सी नदी में? अलकनंदा नदी में, और उसे कहा गया है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, रुद्र काय का प्रतीक है? एकदम क्रोध का, गुस्से का। तो ये बहुत ऊंची पहाड़ियों से बहती हुई आती है एकदम, और यहां से फिर तहस नहस करना शुरू कर देती है, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? रुद्रप्रयाग। ये काय के लिए फेमस है? रुद्रप्रयाग। रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग में लिखेंगे हम। कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग में वहां एक विशेष खासियत है, शकुंतला और राजा दुष्यंत, शकुंतला और राजा दुष्यंत की जो रचना है या प्रेम प्रसंग है वैसा बोला जाता है कर्ण प्रयाग वाले क्षेत्र में। कर्ण प्रयाग, और ये नारद वाला जो कॉन्सेप्ट है वो रुद्र प्रयाग में है, मैंने गलती से उधर बता दिया, नंद प्रयाग में। तो नारद वाला कहां पर है? रुद्र प्रयाग। नारद वाला इधर एड करते हैं। अब सीधा सा क्वेश्चन बनता है कि जो अलकनंदा नदी गंगा नदी कब बनी? तो यहां से एक नदी निकलती है और उसका नाम है भागीरथी नदी, और फिर ये अलकनंदा नहीं रहती, फिर क्या बन जाती है? गंगा बन जाती है, भागीरथी। भागीरथी नदी कहां मिलती है अलकनंदा से? देव प्रयाग में। देव प्रयाग में, अब ये दोनों नदियों का संगम जो है देव प्रयाग कहलाता है। अब ना तो अलकनंदा अलकनंदा रहेगी, ना भागीरथी नदी भागीरथी रहेगी, दोनों मिलकर क्या कहलाती है? ये गंगा कहलाती है। दोनों मिलकर क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। और फिर ये दिशा भी बदल जाती है इसकी, अब इधर न जाके ये इधर मुड़ जाती है, और ये जहां मुड़ती है वहां एक क्षेत्र है उसे कहते हैं हरिद्वार। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में कहां प्रवेश करती है? कहां प्रवेश करती है? हरिद्वार में। हरिद्वार में गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसी के समानांतर एक नदी है यमुना नदी, और वो भी इसके साथ साथ बहती है, और इलाहाबाद में ये मिल जाती है। इलाहाबाद में, ठीक, क्लियर एकदम। तो अब ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये किस दिशा से मिलती है, क्या होती है, ये पंच प्रयाग हमें पता होना चाहिए। छोटे छोटे क्वेश्चन यहां से बनते रहते हैं कि देव प्रयाग में कौन सी नदियां मिलती है, अलकनंदा नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से हुआ है,
ये भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? गंगोत्री, हिमनदी गंगोत्री से हुआ है, ठीक, और यमुनोत्री से इसका हुआ है। ये सारी चीजें ये काम मिलेगी हमें पंजाब, सॉरी कुमायू हिमालय। भगवान श्री राम का सबसे प्राचीन मंदिर जो है वो देवप्रयाग में, भगवान श्री राम का सबसे प्राचीन मंदिर जो है हमें देवप्रयाग में देखने को मिलता है। अभी जो माहौल चल रहा है उसके अनुसार ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा क्लियर हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे अपन अगला पार्ट कुमायूं हिमालय के बाद में नेपाल हिमालय। काली नदी से तीस्ता नदी तक काली नदी से तीस्ता नदी तक। ये हिमालय का विस्तार बनने देखा था। तो सीधी सी बात है, ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा हो गया, यहाँ नेपाल शुरू हो रहा है। ये नेपाल के अंतर्गत, ठीक, और इधर कौन सा है? असम हिमालय। इधर लास्ट में ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम देखो इस तरीके से हुआ है और ये इधर प्रवेश करेगी। सिंधु नदी का उद्गम इधर से हुआ है और ये इस तरीके से कहां चल जाएगी? पाकिस्तान में चल जाएगी। और फिर बीच में देखा, ये सतलुज नदी, काली नदी और ये तीस्ता नदी, और ये कहां मिलती है? तीस्ता नदी कहां जाएगी? किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र। तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। काली नदी कहां मिल जाती है? ये गंगा नदी में। काली नदी कहां मिलती है? गंगा नदी। काली नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। और तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। और इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो प्रादेशिक विभाजन के आधार पर कौन सा कहलाएगा? नेपाल हिमालय। काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक लंबाई अच्छी खासी है इसकी, 800 किलोमीटर लंबाई है, 800 किलोमीटर लंबाई। अब प्रादेशिक आधार पर देखा जाए तो विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां वो कहां मिलेगी? नेपाल लिखेंगे। विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां नेपाल हिमालय में देखने को मिलेगी। लंबाई ज्यादा है लेकिन चौड़ाई सबसे कम। लंबाई तो 800 किलोमीटर है लेकिन चौड़ाई कम है, सबसे कम है यहां पर। इस भाग में माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, गोसाई थान, धौलागिरी। देखो धौलाधर अलग है, धौलागिरी अलग है। धौलागिरी और धौलाधर में क्या अंतर है? धौलाधर पर्वत श्रेणी है और ये हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, और धौलागिरी क्या है? पर्वत चोटी है जो कि नेपाल क्षेत्र में पड़ते हैं, नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। दोनों के बीच में अंतर है, कहीं आ जाए तो याद रखना पड़ा। अन्नपूर्णा आदि पर्वत चोटियां हैं। इसका विस्तार
नेपाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, नेपाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, वो भूटान में है, भूटान में है, सिक्किम में इसे सिक्किम हिमालय, सीधी सी बात है, बंगाल में इसे क्या बोलेंगे? हाँ कुछ बोले यार, गुड, मुझे लगा बंगाल में बंगाल हिमालय तो नहीं बोल रहे हैं, बंगाल में से दार्जिलिंग हिमालय, भूख तो नहीं लगी आपको? हाँ पीछे वाले से बोल रहा हूँ मैं, सबसे पीछे, नाम क्या है आपका? क्या महक बामने। अरे वाह, बड़ा ही अच्छा नाम है महक। भूटान में से भूटान हिमालय, भूटान में से भूटान हिमालय। अगला लिखेंगे असम हिमालय, असम हिमालय। असम हिमालय ये इसका अंतिम पार्ट है हिमालय का, और कहां से कहां तक? तीस्ता से ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच विस्तार है इसका, 750 किलोमीटर लंबाई, सिक्किम, आसाम, और कौन से प्रदेश में सबसे ज्यादा विस्तार होगा इसका? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। शुरुआत भूटान से होती है, तो भूटान में इसका विस्तार है, भूटान में इसका विस्तार। कम ऊंचा प्रदेश है ये, कम ऊंचा प्रदेश है। यहां से दिबांग, दिहांग, दिबांग, दिहांग, लोहित, ब्रह्मपुत्र नदियां प्रवाहित होती हैं। कांगड़ा, काबस, सांगला, नामचा बरवा, नामचा बरवा आदि पर्वत चोटियां हैं, पर्वत चोटियां हैं। दर्रे भी हैं यहाँ पर, जो भी दर्रे हिमाचल प्रदेश में पड़ रहे हैं, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में पड़ रहे हैं, वो सबके सब इसी में पढ़ेंगे, जैसे जेलेपला, जेलेपला दर्रा, बुमला आदि दर्रे यहां देखने को मिलेंगे। खत्म करते हैं प्रादेशिक विभाजन। अब जनरली चर्चा करते हैं हिमालय का महत्व क्या है भारत के लिए, भारत के लिए हिमालय का क्या महत्व है। तो देखो आर्थिक दृष्टिकोण से महत्व हो सकता है इसका, आर्थिक दृष्टिकोण से महत्व। देखो यदि बड़ा उत्तर लिखना है अपने को, तो फिर उसको पहले दिमाग से सोचना पड़ेगा कि इसको पार्टीशन करना पड़ेगा कि कैसे कैसे लिखेंगे। यदि बुलेट में लिखना चाहे तो 10 लाइन में हमारा आंसर खत्म हो जाएगा, तो सबसे पहले अपने को उसको कुछ पार्ट बनाना पड़ेगा। आर्थिक महत्व, पर्यावरण के दृष्टिकोण से महत्व, सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्व, और प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से महत्व, पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्व, स्वास्थ्य वर्धक स्थानों के दृष्टिकोण से महत्व, इस तरीके से हम इसे लिखेंगे। अब जैसे पहला लिखा है जलवायु संबंधी, जलवायु संबंधी
भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। जबकि उधर यदि देखिए तो शीतोष्ण तरफ भी जा रहे हैं हम, उष्ण कटिबंधीय तो हमारा यहीं पे हो जाना चाहिए था, क्योंकि कर्क रेखा तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंधीय कहलाता है। कर्क रेखा तक का जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंधीय कहलाता है, 23 से 1/2। तो फिर हमारा तो 37 डिग्री तक विस्तृत है, फिर भी उष्ण कटिबंधीय जलवायु है यहाँ की। कारण क्या है कि जो हिमालय जो खड़ा है वो उधर बर्फोयांश के क्षेत्र की जो ध्रुवीय जलवायु है, हवा है, उसको आने से रोक देता है, उसको आने से रोक देता है। ऊपर सीधे उधर पामीर के पठार तरफ से जो जेट पौने चलती है उसके मार्ग में भी ये बाधा बन जाता है, या तो वो उत्तर से निकल जाए, ऊपर से निकल जाती है, या नीचे की ओर कभी कभी प्रवेश कर जाती है, तो हमारी जलवायु को प्रभावित कर देती है। तो ये इस तरीके से जलवायु संबंधी प्रभाव इसका भारत पर देखने को मिलता है। दूसरा है, अब हम देखते हैं भारत के ऊपर जो प्रतिरक्षा संबंधी महत्व। अब हमें वहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, हिमालय को कोई पार करके भारत पर आक्रमण नहीं करता। ये बात अलग है कि अक्साई चीन, पीओके दोनों हिमालय क्षेत्र में ही है, दोनों हिमालय क्षेत्र में ही है, लेकिन ये दोनों प्रदेश भी कहां पर है? वहीं पर है, चाइना भी वहीं पर है, कश्मीर भी वहीं पर है, उनको अलग से कहीं आने की जरूरत नहीं है। इसलिए कोई विदेशी ताकत वहां से आकर भारत पर आक्रमण कर सकती है क्या? नहीं। तो प्रतिरक्षा संबंधी भी महत्व है। वन संपदा, ट्रांस हिमालय को छोड़ दो, लद्दाख क्षेत्र को छोड़ दो, लेकिन उत्तराखंड वाला क्षेत्र देखें, हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र देखें, तो यहाँ पर अपार वन संपदा, पूर्णधारी वन वगैरह जो सबसे महत्वपूर्ण वन होते हैं वो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बांस जो लुगदी वाला क्षेत्र है वो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। उर्वर मृदाओं का स्रोत, हम उत्तर का विशाल मैदान की बात कर रहे हैं, उत्तर का विशाल मैदान, ये जलोढ़ मिट्टी से बने हुए मैदान है, बहुत उपजाऊ है, लेकिन ये मिट्टी आई कहाँ से? हिमालय से। अब जैसे हरदा जो है ना, हरदा एक छोटा सा जिला है, इधर बहुत उपजाऊ जिला है, पता है आपको? नहीं पता? पता है बहुत उपजाऊ जिला है, लेकिन पानी कहाँ का जाता है? वहाँ पे सिंचाई होती है इसलिए उपजाऊ है, और सिंचाई कहाँ के पानी से होती है? बैतूल का पानी यहाँ से तवा नदी में जाता है, पूरा पानी तवा नदी का पानी नर्मदा जी में जाता है, नर्मदा में वो होशंगाबाद में एक जल परियोजना बनी है, तवा जल परियोजना, और वहां से पूरा पानी एक नहर निकली है, और वो कहाँ जाती है? हरदा तरफ, पूरे हरदा को सिंचित कर देती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है इसलिए हमें नहीं मिल पा रहा, लेकिन है तो उपजाऊ जिला। तो वैसे ही हिमालय से नदियां निकलती है और वो ढेर सारी वहां की उपजाऊ मिट्टी, वनस्पति वगैरह सब कुछ, वनस्पति भी है उसमें, पत्तियों के अवशेष जिसे क्या बोलते हैं, ह्यूमस युक्त मिट्टी, वो सब बहाकर लेके आती है और मैदान में लाकर छोड़ देती है। तो ये भी यदि हिमालय नहीं होता तो उत्तर का विशाल मैदान भी नहीं होता, फिर सप्त सैंधव प्रदेश भी नहीं होता, फिर आर्य लोग भी नहीं आते इधर। आर्य लोग क्यों आए? संपत्ति के लालच में, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी उपजाऊ जमीन थी, ये सब ये होता। तो देखो कितना अधिक प्रभाव है हिमालय का कितना अधिक महत्व है। उर्वर मृदाओं का स्रोत, पन बिजली उत्पादन, जल विद्युत, क्योंकि यहाँ की जो नदियां हैं वो सदावाहिनी नदियां हैं। सदावाहिनी क्यों होती है? बर्फ तो वो होता है जिसे हम फ्रिज में जमा करते हैं, है ना, ये ग्लेशियर है जो प्राकृतिक रूप से बने हैं, वो ग्लेशियर है। तो ग्लेशियर जब गर्मी के दिनों में पिघलते हैं तो भी नदियों को जल की प्राप्ति होती है, और बारिश के कारण इन्हें जल की प्राप्ति होती है, तो ये सदावाहिनी नदियां इसलिए जल विद्युत के लिए होती है। सदावाहिनी नदियों का स्रोत, यहाँ से जो भी नदियां निकलती है वो सदावाहिनी है, जैसे हम गंगा की बात करें, यमुना की बात करें, ब्रह्मपुत्र की बात करें, सतलुज की बात करें, सिंधु की बात करें,
कोसी, काली, गंडक, घग्गर, ये जितनी भी नदियां हैं सब हिमालय से उद्गमित होती है और सदावाहिनी नदियां है। फिर फलोद्यान, जैसे हमारे यहाँ एप्पल आते हैं, आपने यहाँ कभी देखा है एप्पल का पेड़ देखा है किसी ने? नहीं देखा आपने? भी नहीं देखा? चलो आप है ना नीचे टीवी में देख लेना नीचे टीवी में देख लेना, वही देखने को मिलेगा क्योंकि हमारे यहाँ है जी। तो ये जितने भी फलदार जो कृषि पौधे होते हैं वो सब का हिमाचल प्रदेश में इधर होते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छी जलवायु, स्वास्थ्यवर्धक जलवायु पाई जाती है। खनिज संसाधन भी यहाँ देखने को मिलेंगे, प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य, कोई बीमार वगैरह हो जाए तो फिर कहाँ जाने की सलाह देते हैं? पचमढ़ी, क्योंकि हमारे हद में है ना, और जिनके पास धन संपदा अकूत है ना, तो वो कहाँ जाएंगे? शिमला, कुल्लू, मनाली, इधर जाने की सलाह देते हैं, बोलते छः महीने रह के आ जाओ वहाँ पे, बीमारी तुम्हारी ठीक हो जाएगी। तो ये सब प्राकृतिक सौंदर्य आते हैं। तीर्थाटन, तीर्थाटन जैसे अमरनाथ की बात की अपन ने, वैष्णो देवी की बात की, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, भले ही वहाँ पर भूस्खलन हो जाए लेकिन फिर भी हमारी आस्था है, हम लोग जाते ही हैं। उन चलेंगे मेरे साथ है ना, तवा तवा डेम चलेंगे अपन लेकिन, ठीक है। तीर्थाटन यहाँ पर क्लियर हो गया महत्व, इस तरीके से हम अलग अलग पार्ट में आप अपने हिसाब से इसको तैयार कर लेना, एक अच्छा उत्तर तैयार कर लेना। मैं इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, तो अब पीएससी जैसे एग्जाम में बनने की संभावना कम है, लेकिन कभी कभी वो घुमा के कान पकड़ सकते हैं, घुमा के कान पकड़ सकते हैं। यदि हिमालय नहीं होता तो भारत की क्या स्थिति बनती, हिमालय नहीं होता तो क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते, ऐसा कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं, तब हमें यही सब चीज़ें लिखना पड़ता है उसमें और कुछ नहीं। फिर पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय, इसमें भी अंतर करना है, तो अब अंतर तो हमने पढ़ लिया, बस उसको पॉइंट नोट करना था। तो जैसे पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी हिमालय कहाँ से कहाँ तक? सिंधु नदी से काली नदी तक पश्चिमी हिमालय, और काली नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक पूर्वी हिमालय। विस्तार यदि देखें तो पश्चिमी हिमालय कहाँ तक? सिंधु नदी से लेकर काली नदी तक, और पूर्वी हिमालय काली नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक। पश्चिमी हिमालय में क्या है? ऊंचाई कम है लेकिन चौड़ाई ज्यादा है, ऊंचाई कम है लेकिन चौड़ाई ज्यादा है, और पूर्वी हिमालय चौड़ाई कम है लेकिन ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां है, यहाँ पर ऊंचाई इसकी ज्यादा है चौड़ाई कम। वर्षा कहां पर कम होगी और कहां ज्यादा होगी? पश्चिमी हिमालय सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र पड़ा अपन ने ले, तो पश्चिमी हिमालय में वार्षिक वर्षा कम होती है और पूर्वी हिमालय वार्षिक वर्षा ज्यादा होती, बहुत अधिक होती, 200 सेंटीमीटर से अधिक, और इधर 100 सेंटीमीटर से भी कम। वन कौन से पाए जाते हैं? तो इधर पश्चिमी हिमालय में अल्पाइन वन, कुंडधारी वन पाए जाते हैं, और जबकि पूर्वी हिमालय में सदाबहार वन पाए जाते हैं, पूर्वी हिमालय में सदाबहार वन पाए जाते हैं, पूर्वी हिमालय में सदाबहार वन पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय में जीवाश्म नहीं पाए जाते, पश्चिमी हिमालय में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, और पूर्वी हिमालय अभी निर्माण की अवस्था में, यहाँ पर जीवाश्म पाए जाते हैं। एक और अंतर लिखना है हमें, हिमरेखा, 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 हिमरेखा तुलनात्मक रूप से कम ऊंचाई पर पाई जाती है पश्चिम हिमालय में, हिमरेखा तुलनात्मक रूप से कम ऊंचाई पर पाई जाती है। और पूर्वी हिमालय हिमरेखा अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर पाई जाती, अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। अभी है क्या टाइम मेरे पास? 5 मिनट का, 15 मिनट है अभी, ठीक। अब ये तो देख लिया हमने, यहां पर देखते हैं, यहां से सिंधु नदी आई, बड़ा सा गार्ज बना लिया उसने, हिमालय को सीमित कर दिया,
इधर से ब्रह्मपुत्र आई, उसने भी बड़ा गार्ज बना दिया और यहाँ पर भी हिमालय सीमित हो गया। लेकिन फिर यहाँ पर ये देखो, ये ब्रह्मपुत्र नदी के बाद में भी छोटी छोटी पर्वत चोटियां यहाँ पाई जाती है, इसे बोलते हैं पूर्वांचल, पूर्वांचल। और इधर पश्चिम की पर्वत श्रेणियां हमें अलग से पढ़ना होता है, तो दोनों को हम नोट कर लेंगे, लिखेंगे। क्लास बार बार अटक रही है, पर अभी तो ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास में, बाकायदा वाईफाई वगैरह चालू है, सब कुछ ठीक है। अब क्लास वैसे भी मैं छोड़ने ही वाला हूँ, आप अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए थोड़ा सा। बाकी सबके साथ में भी यही दिक्कत हो रही क्या? नेट बंद करो तो। मोबाइल डाटा बंद करना है ही नहीं। चलो अब दो मिनट के लिए बर्दाश्त कर लो, जो भी होगा देख लिया जाएगा। उत्तर पश्चिम शाखाएं देखते हैं, हिमालय की उत्तर पश्चिम शाखाएं, कि हिमालय के इधर उत्तर पश्चिम में क्या क्या देखने को मिलेगा। ये शाखाएं सिंधु नदी से परे उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में दक्षिण पश्चिम दिशा में है, दक्षिण पश्चिम दिशा में, मतलब ये पाकिस्तान में पड़ेगा और अफगानिस्तान क्षेत्र में पड़ेगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में पड़ेगा। इसमें है हजारा, सुलेमान, हजारा सुलेमान, बुगती, बुगती किरथर, किरथर वो मैक्सन पहाड़िया, वो मैक्सन पहाड़िया, हिंदुकुश, हिंदुकुश और सुलेमान, ये अफगानिस्तान क्षेत्र में पड़ते हैं। हिंदुकुश सुलेमान ये अफगानिस्तान क्षेत्र में पड़ते हैं। क्लियर हो गया? हिमालय के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित ये इसकी पर्वत श्रृंखला है, लेकिन उससे मूल हिमालय से क्या है ये अलग है। वहां पर एक भ्रंश बना हुआ है और किसके द्वारा बनाया ये? सिंधु नदी के द्वारा। अब हम देखेंगे पूर्वांचल की पहाड़ियां, पूर्वांचल की पहाड़ियां, पूर्वांचल की पहाड़ियां, ये पर्वत श्रेणियां, ये पर्वत श्रेणियां भारत और म्यांमार सीमा पर, भारत और म्यांमार सीमा पर उत्तर से दक्षिण की ओर, ये मैप में देख रहे हैं, ये उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, पटकोईबुम, पटकोईबुम, अबोर, मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ियां, मिजोरम में मिजो पहाड़ियां, अरुणाचल प्रदेश मिश्मी पहाड़ियां, अरुणाचल प्रदेश में मिश्मी पहाड़ियां। सर नमस्कार, अनिल सर।
आप वही बेंच पर नहीं सर ये बैठ जाएंगे। मिश्मी पांडे क्लियर हो गया। बस लास्ट एक ही पॉइंट बता रहा हूँ, पूर्वांचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है कोई बता सकता है? नामचा बरवा। ये तो पूर्वांचल में कहाँ आता है, ये तो हिमालय का पूर्वी भाग है। नौकरेक कौन सी है? नौकरेक है ना, ये गारो खांसी के बीच में सेंटर पे है नौकरेक, और ये पूर्वांचल की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वांचल की सबसे ऊंची चोटी नौकरेक। कल के लिए हमारा टॉपिक रहेगा उत्तर का विशाल मैदान, उसको बड़े अच्छे से पढ़ के आएंगे। तराई प्रदेश क्या है, भाबर क्या होता है, खादर क्या होता है, कौन कौन सी नदियां निकलती हैं यहाँ पे, कौन कौन से उत्तरी उत्तर का जो विशाल मैदान है इसका प्रादेशिक विभाजन नदियों के आधार पर किया गया है, तो सिंधु नदी तंत्र वाला पार्ट कौन सा है, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र वाला, संरचनात्मक दृष्टिकोण से इसका विभाजन भाबर में, खादर में, डेल्टा में, तराई में इस तरीके से विभाजन किया हुआ है, ये सब कल हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल ऐसे ही बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।